नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान के बारे में। तो अभी तक इसमें तीन पार्ट खत्म कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, वैज्ञानिक यंत्र, आविष्कार और आविष्कारक, प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान। इन चार चैप्टर को मिलाकर एक आपका पार्ट आया हुआ था। दूसरे पार्ट में आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स पूरा आया हुआ था। तीसरे पार्ट में आपका रसायन विज्ञान आ चुका है। क्या आ चुका है? रसायन विज्ञान आ चुका है पूरा, यानी कि केमिस्ट्री आपका आ चुका है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विज्ञान में जीव विज्ञान के बारे में। किसके? जीव विज्ञान के बारे में। इसमें बात करेंगे हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे। जीव का जगत वर्गीकरण क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव देखेंगे, जीवाणु देखेंगे। उसी का बाद हम लोग इसी में ले आएंगे आपका जंतु विज्ञान। इनमें इसमें आपका नॉन कार्डेटा तथा कार्डेटा में अंतर देख लेंगे। जंतु जगत का वर्गीकरण, आकेश आकशेरुकी एवं कशेरुकी, इसे भी देख लेंगे। और इसके बाद कोशिका विज्ञान को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जंतु ऊतक को देख लेंगे। उसके बाद इन इतना हम लोग चौथे टॉपिक में, और फिर उसके बाद पांचवें टॉपिक में हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान बायोलॉजी। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस बुक्स को, किरण सामान्य विज्ञान बुक्स, अगर आपके पास सुविधा है तो ले लें, इसी को पढ़ लें। सामान्य ज्ञान के लिए चारों तरफ ना चक्कर लगाएं। क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ऑनलाइन जो भी क्लासें देखते हैं, कहीं आपको बायोलॉजी में एक चैप्टर मिला है, कहीं दूसरा चैप्टर मिला है। यार कहीं भी देखा करिए, पूरा टॉपिक अगर पूरी बुक्स दी गई है तभी आप लोग उसे देखा करिएगा, वरना आप भी भ्रमित हो जाते हैं। और देखिए, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, सबसे बड़ा यही कारण है कि इसका, कि आपको सही पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या क्या है। आप वो सब पढ़ लेते हैं जो नहीं पढ़ना होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप 1000 बुक्स से पढ़ते हैं, और मैं कहता हूँ कि 1000 बुक्स पढ़ने की बजाय एक बुक्स को 1000 बार पढ़ सकते हैं आप लोग, तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आप एक बड़ा ढेर सा लगा कर रख लेंगे नोट्स का, और उसके बाद आप भयभीत हो जाएंगे। तो आप इस चक्कर में ना पढ़िए, और बढ़िया अच्छे से कर लीजिए। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, SSC, बैंक, रेलवे, वन डे एग्जाम, यहाँ तक कि स्टेट PCS प्रीलिम्स भी आप लोग इसे दे पढ़कर दे सकते हैं। सिविल सर्विस की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसे NCERT पढ़े बिना कुछ नहीं उखड़ेगा। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसे आप लोग NCERT पढ़ सकते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है। किसका? ग्रीक भाषा में, कि वायोस अर्थात जीवन, लोगोस अर्थात अध्ययन से बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, ये फ्रांस के थे, कहाँ के थे? फ्रांस के, तथा टेवरेनस, ये जर्मन के थे। इन्होंने 1802 में किया था बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किया था। अतः अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु साहब को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का पापा। ठीक है, एक तरह से फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके दो प्रमुख भाग हैं। आपसे पूछ लेगा 100% कि सब बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस बन भी चुके हैं। जीव विज्ञान दो भाग हैं इसके। जंतु विज्ञान, जंतु का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखते हैं। इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए अच्छे से याद रख लेना। एपिकल्चर, यह आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन है, किया जाता है इसमें।
आपसे पूछ सकता है कि मधुमक्खी का पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो आपको बता देना है एपिकल्चर, या फिर पूछ सकता है एपिकल्चर किससे संबंधित है, तो आपको बता देना है मधुमक्खी पालन से। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। रेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स, जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन। डेंडोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। यूजेनिक्स, अनुवांशिक के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों की सुधार का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। क्या? कीटों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिक की लक्षणों की वंशानुगत का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन। एक्टिनोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। केलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। माइक्रोलॉजी, कवकों का अध्ययन। मिर्मिकोकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन इसके तहत। पेलियोन्टोलॉजी, जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, कारण और लक्षणों का अध्ययन। राइनोलॉजी, जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन। सीरी कल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन इसके तहत आप लोग करते हैं। सेल्वी कल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन इसके तहत करते हैं। अब बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के जनक। इनसे भी क्वेश्चंस आपके हमेशा बनते रहे हैं। ये आपकी शाखा हो गई, ठीक है, ये आपकी जनक हो गए। जीव विज्ञान, अरस्तु साहब। जंतु विज्ञान, अरस्तु साहब। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के कौन है? अरस्तु साहबी। वनस्पति विज्ञान, थियोफेस्टस। वर्गीकी, लीनियस। अनुवांशिकी, ग्रेगर मेंडल। जीवाश्म की, लियोनार्डो दा विंसी। चिकित्सा शास्त्र, हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान, लुई पाश्चर साहब। कौन? लुई पाश्चर साहब। आधुनिक भूड़ विज्ञान, बॉन बेयर। जीवाणु विज्ञान, ल्यूबेन हॉक। कवक विज्ञान, माइकेली। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक। भारतीय पारिस्थितिकी, आर मिश्रा। भारतीय बायोलॉजी, आर एस कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान, एम ओ ए अयंगर। ठीक है, इन सभी वैज्ञानिकों को याद रखना है आपको। फिर आपका जीव जगत का वर्गीकरण। सभी जीव जगत को अरस्तु ने जंतु समूह और वनस्पति समूह में रखा, जबकि लीनियस ने जंतु जगत और पादप जगत में रखा। सभी जीव जगत को अरस्तु साहब ने इन्हें जंतु समूह और वनस्पति समूह में रखा, जबकि जो लीनियस साहब हैं इन्होंने जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। लीनियस ने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव डाली, अतः इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आर एच ब्रेटर, इन्होंने 1969 ने समस्त जीवों की पांच जगतों, इसमें आपकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में बांटा है। मोनेरा, जगत के जीवों में संगठित केंद्रक या फिर कोशिकांग का आभा होता है, जैसे जीवाणु, नील हरे शैवाल, माइक्रो प्लाज्मा। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव रखे गए हैं, जैसे एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजुआ, डायटम आदि। कवक है फिर आपका, कवक क्या है? विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
इनका शरीर कवक तंतुओं का बना होता है, जैसे ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम आदि। ये मशरूम आप लोग जानते हैं, आप लोगों की भाषा में इसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। इसकी आप जानते हैं कि सब्जी भी बनती है मशरूम की। तो पता है, एक बार मैं मैस में खाना खाता था, तो वहाँ बनिया बनाई, मुझे लगा कुकुरमुत्ता बनाया गया है, तो मैंने उस दिन खाना ही नहीं खाया। बाद में मुझे चला कि इसकी खेती अलग से होती है, वो कुकुरमुत्ता नहीं है। पता है, लेकिन वो कुकुरमुत्ता जो बरसात के टाइम में भी उगता, उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है, सुनते हैं। पादप जगत में सेलुलोज की कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव रखे जाते हैं। एपिकास संश्लेषण के लिए परहरित का प्रयोग करते हैं। इस जगत में को आपका थैलोफाइटा यानी कि शैवाल, शैवाल बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में बांटा गया है। फिर आता है जंतु जगत। इसमें आपका यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और विषम पोषी जीवों को रखा जाता है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव देखा जाता है। इसे आकेश कशेरुकी तथा कशेरुकी में बांटा गया, दो भागों में। अब बात करते हैं जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें बरगीकी का हम लोग पिता मानते हैं, इन्होंने भी कहा कि जीवों की दो नाम पद्धति का प्रचलन 1753 में किया। किसने? कैरोलस लिनियस। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किस भाषा? लेटिन भाषा। पहला शब्द होता है वंश का नाम और दूसरा शब्द होता है जाति का नाम। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकी विद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस लिन। होमोसेपियंस लिन वास्तव में होमो इस उस वंश का नाम है, जबकि जाति का नाम हो गया सीपियंस, और लिन वास्तव में लीनियस का शब्द संक्षेप नाम है, लिन। ठीक है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमोसिपियंस नाम पुकारा था। कुछ वैज्ञानिकों के जीवधारियों के वैज्ञानिकों नाम की बात करें तो मेंढक राना टिग्रिनिका, मनुष्य होमोसिपियंस, गाय बॉस इंडिकस, बिल्ली फिलिस डोमेस्टिका, कुत्ता कैनिस फैमिली रिच, मक्खी मॉस्का डोमेस्टिका। ये सभी कुछ वैज्ञानिक नाम हैं। इस प्रकार सभी क्रम एक साथ मिलकर निम्नलिखित टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम बनाते हैं। कौन कौन से? किंगडम, ए डिवीजन फाइलम, फिर उसके बाद वर्ग, ऑर्डर, कुटुंब, जीनस और जाति। इस तरह से ऊपर से नीचे घटते क्रम में, जाति, जीनस, कुटुंब, ऑर्डर, वर्ग, डिवीजन और आपके सबसे नीचे किंगडम। अब चलते हैं हम लोग आगे सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है उनसे इन जीवों को देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख जीव सूक्ष्म जीवों का संक्षेप विवरण निम्नलिखित है। बीषाणु, ये वायरस है। इसकी खोज डी आई आइवेनोवस्की ने 1892 में रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में की थी, और इस बीषाणु का नाम टोबैको मोज़ेक वायरस रखा। डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त किया था। किसमें? रवेदार रूप में। ठीक है, याद रखिए 1892 में सबसे पहले विषाणु की खोज की गई। विषाणु वायरस जीवाणु से भी छोटे होते हैं। ये दो प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, एक प्रोटीन, दूसरा न्यूक्लियक अम्ल। प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं, जो कि न्यूक्लियक अम्ल के चारों ओर होते हैं। कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयाँ
इकाइयों को कैप्सोमीयर कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए फिर या डीएनए होते हैं, अधिकतर आपके आरएनए होते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार बीजाणु तीन प्रकार के होते हैं, वायरस तीन प्रकार के होते हैं, पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है, जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए होता है, और बैक्टीरियोफेज इसमें जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए रूप में होता है। जिस बीजाणु में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उसे हम लोग रेट्रो बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रो बीजाणु। तथा जिसमें डीएनए होता है उसे हम लोग एडीनो बीजाणु कहते हैं। वेरियन एक संपूर्ण विषाणु भी एक कण जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होता है, इसे हम लोग वेरियन कहते हैं। विषाणु की प्रकृति, वायरस में निर्जीव एवं सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें? वायरस में, विषाणु में। निर्जीव के गुणों की बात करें तो वायरस स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते हैं, ये केवल जीवित परपोषी की कोशिका में ही अपना गुणन करने में सूक्ष्म है, जिसे अभिकल्पी परजीवी कहते हैं। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन और अन्य उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। सजीव के अगर गुणों की बात करें तो वायरस जनन कर सकते हैं एवं उनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। ये संवेदनशील होते हैं और उन पर ताप, प्रावैगनी किरणों आदि का प्रभाव पड़ता है। विषाणु पोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। फिर आपका विरोइडिस। अमेरिकी वैज्ञानिक टीओ डाइनर ने सर्वप्रथम विरोइडिस की खोज की थी। यह गोलाकार एवं स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं जिनमें प्रोटीन की खोल नहीं होती। ये विषाणु से भी छोटे होते हैं। इसके कारण सिट्रस एग्जीकार्टिस रोग, नारियल के पेड़ का कंडाग रोग आदि होते हैं इसके कारण। ठीक है, फिर आपके प्रियोन। प्रियोन केवल प्रोटॉन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के। इनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इनकी खोज और नामकरण स्टेनले फ्रोसिनर ने की थी। इसके कारण निम्नलिखित रोग होते हैं, कौन कौन से? क्रोयूट सफेल्ट जैकब रोग। यह मनुष्य के तांत्रिक तंत्र का रोग है जिसमें याददाश्त की कमी या फिर पागलपन या फिर पेशी अनियंत्रण हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि रोगी मर जाता है। CJD एक वंशानुक्रमित रोग है, लेकिन यह शल्य क्रिया द्वारा एक मानव से दूसरे मानव में प्रसारित भी हो जाता है। मेड गाय बीमारी। यह पियोन विषाणु के कारण होता है, स्कैपी रोग। इस विषाणु के कारण बकरियों और भेड़ों के मस्तिष्क की कोशिकाओं का अपहरास होता है। एबोला विषाणु रोग। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। खतरनाक बुखार, सिर दर्द, वमन, यकृत, गुर्दा संक्रमण तथा इसकी क्रियाशीलता में कमी और इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा रोग। यह H1N1 विषाणु से होने वाला रोग है जिसमें शारीरिक मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और थकान, सिरदर्द, वमन, श्वसनीय समस्याएं इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कोशिकाएं, सॉरी जीवाणु, बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटनी वान लीवेनहॉक ने 1876 में देखा था और उसे जंतु का नाम दिया था। क्या दिया था? जंतु का नाम। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एहरेन बर्ग ने 1838 में किया। लुई पाश्चर और कोच ने यह बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। क्या फैलता है? रोग फैलता है।
जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ल्यू वैन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक यानी कि पिता कहते हैं। इनमें राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वे विकास संश्लेषी या फिर परपोषी होते हैं। जीवाणुओं के वैसे अनेक प्रकार हैं, कौन कौन से, कोकाई एक गोल होते हैं, बेसिलस या आपके दंडाकार होते हैं, स्पाइरिला सर्पिल, वाईपीओ कॉमा की तरह। अगर जीवाणुओं के से लाभ की बात करें हम लोग, तो जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं, जैसे भूमि में एजोटो वेक्टर, क्लोस्ट्रिडियम तथा लिग्यूमिनेसियम कुल के पौधों में राइजोबियम। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई पाचन क्रिया में सहायक होता भी करते हैं। मानव के पाचन तंत्र में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, ई कोलाई। लैक्टोबैसिलस केसीआई दूध की शर्करा लैक्टोज को किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। आपने सुना होगा कि दूध से दही बनने में कौन सहायता करता है, जीवाणु लैक्टोबैसिलस। माइक्रोकॉकस तंबाकू के पत्ते में तथा बैसिलस मेगाथेरियम चाय के पत्ते में सुगंध पैदा करते हैं। इनका प्रयोग चमड़े के शोधन एवं जूट के रेशों को अपने अलग करने में भी होता है। जीवाणुओं द्वारा कई प्रकार की औषधियाँ निर्माण भी होती हैं, जैसे ये आपके जीवाणु हैं, ये पीति जैविक हैं। स्टेप्टोमाइसिस बेनेजोली, इससे आपकी क्लोरोमाइसिटिन बनती है। स्टेप्टोमाइसिस ग्रेसियस स्टेप्टोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस फ्रॉडी नियोमा नियोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिस रेमोसस टेरामाइसिन, इससे पीतिजीवी बनाई जाती है। जीवाणुओं से होने वाली हानि की बात करें हम लोग, तो स्टेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस आदि ने स्रावित विषैली पदार्थ खाद्य पदार्थ को विषाक्त बना देता है। स्पाइरोकीट साइटोफाज कपास के रेशों को नष्ट कर देता है। जीवाणु मिट्टी का विनाइटीकरण कर उनकी उर्वरता कम कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान की तरफ, बायोलॉजी की बात। जी जंतु विज्ञान, जंतु प्राणी विज्ञान के अंदर जंतुओं और उनके कार्यकलापों का अध्ययन यानी कि उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु साहब ने 340 ईसा पूर्व यानी कि बीसी की बात की जा रही है, 340 ईसा पूर्व में जंतु इतिहास नामक एक किताब लिखी, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक माना जाता है। एनी मेलिया जंतु जगत, इसमें आपके प्रोटोजुआ एक कोशिकीय और मेटोजुआ बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें भी आपके पैराजुआ और यूमेटा जुआ दो भागों में बांटते हैं। जंतु जगत को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। नॉन कार्डेटा तथा कॉर्डेटा में अंतर, नॉन कार्डेटा कॉर्डेटा इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है और इसमें किसी ना किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है। इसमें गिल दरारें नहीं पाई जाती हैं, इसमें गिल दरारें पाई जाती हैं। इसमें तंतिका रज्जु अधर भाग में होता है तथा ठोस में नहीं। इसमें तंतिका रज्जु पृष्ठ भाग में होता है, खोखली होती है। इसमें आपका नॉन कॉर्डेटा को निम्नलिखित संघों में बांटा गया है, प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोड मेटा। कॉर्डेटा को निम्नलिखित संघों में बांटा गया है, मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग। विभिन्न वर्गों के बीच की कड़ियों की बात करें तो बीषाणु सजीव और निर्जीव, युगलीना जंतु और पादप, प्रोटीरोस्पोंजिया प्रोटोजुआ और पोरीफेरा, नियोपिलीना मोलस्का और एनीलिडा, पेरिपिटस एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा, बेले नोग्लोसस
आकशेरुकी और कशेरुकी, पोटोथीमिया सरीसेप और स्तनधारी, आर्कियोप्टेरिक्स सरीसेपों और पक्षियों। मधुमक्खी आपकी एक सामाजिक कीट है। क्या है? सामाजिक कीट है, यानी कि ये हमारे लिए फायदे में रहती है। क्या है? हमारे लिए बहुत कुछ देती है मधुमक्खी। वैज्ञानिक कार्ल बॉन फ्रेंच ने मधुमक्खी की भाषा का पता लगाया था। बिच्छू में श्वसन वो लंग्स द्वारा होता है। जुगनू रात्रि में चमकने वाले कीट हैं, जिसमें लूसीफेरिन रसायन पाया जाता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण से प्रकाश उत्पन्न होता है। आप देखते हो ना कि जुगनू रात में चमकती है। उड़ीसा की चिल्का झील भारत में प्रॉन कल्चर के लिए विख्यात है। अब है आपका जंतु जगत का वर्गीकरण। विश्व के सभी जंतु जगत को दो उप जगतों में विभक्त किया गया है, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजुआ में रखे गए हैं, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। किसमें? कितने? 9 में। स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। इसमें पहला है आपका संघ प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्ड फस ने 1920 में किया था। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। स्वतंत्र जीवों एवं परजीवों दोनों प्रकार के होते हैं। सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होते हैं। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। पिचलन पदार्थों पक्षमों और कसाभों के द्वारा होता है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजुआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। जैसे आपके प्लाज्मोडियम मलेरिया, टेपनोसोमा निद्रा रोग, लेस्मानिया कालाजार। फिर आपका दूसरा संघ पोरीफेरा। यह संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। किसमें? खारे जल में। पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में किया था। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज गुहा। शरीर का असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जैसे साइकन हो गया, मायोनिया हो गया, स्पंज हो गए, इसके उदाहरण। ठीक है, फिर आपके यहाँ आगे संघ सेलेंटेटा। इस संघ को निडेरिया भी कहा जाता है। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करते हैं। प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनी मोन हो गया, मूगा हो गया। फिर आपकी चौथा संघ है संघ प्लेटी हेलमिंथीज। गगनेवर ने फ्लैटी हेलमिंथीज शब्द दिया था। कंकाल, स्वतंत्र परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं इसमें। यह उभयलिंगी जंतु है, 3 स्तरीय शरीर, परंतु देह गुहा नहीं होती इसमें। पिष्ट आधार तल से चपटा शरीर होता है, पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है, जैसे प्लेनेरिया, लीवर, फिलियो फीता कृमि आदि। फिर आपका संघ एस्किलेंथीज, इसे निमेटी है हेलमिंथीज भी कहते हैं हम लोग। आहार नल स्पष्ट होती है इसमें, जिसमें मुख और गुदा दोनों ही होते हैं। परिवहन अंग और श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोट्रॉनफीडिया द्वारा होता है। ये आपके एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी। ये लंबे बेलनाकार आखंडित कृमि होते हैं। शरीर दुर्पाशो सम्मित त्रिस्तरीय होता है, गोल कृमि, एस्किरिस, थ्रेडवर्म, वुचेरिया इसके उदाहरण है। एंट्रोबियस मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इसमें बच्चों की काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब भी कर देते हैं। फिर आपका
बुचेरेरिया द्वारा फाइलेरिया होता है। फिर संग एनिलिडा, एनिलिडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने लैमार्क साहब ने किया, रुधिर लाल होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। और उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में, किसकी, वृक्क के रूप में होता है। एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। शरीर लंबा पतला द्विपार्श्व सममित खंडों में बटा हुआ होता है। विचरण मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। ठीक है, आहार नाल पूर्णता इसकी विकसित होती है। श्वसन फिरा त्वचा के द्वारा और कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है, जैसे आपके इसमें कैचुआ होगा, जोंक हो गया, निरीस हो गया आदि। कैचुए में चार जोड़ी हृदय होते हैं, कितने, चार जोड़ी हृदय। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। फिर आता है संघ आर्थ्रोपोडा। ये संघ का वर्गीकरण बॉन सी बोर्ड ने 1845 में किया था। कब, 1845 में। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा और सबसे सफल संघ है। यह फिरा एक लिंगी होता है एवं निशेषण शरीर के अंदर ही होता है। इसके शरीर तीन भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदय। इसकी देह गुहा होमोसील कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोसील, हीमोसील। इसके पास संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान सतह आदि इसके श्वसन अंग हैं। इसमें आपके तिलचंटा हो गया, कॉकरोच, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सभी इसी में आते हैं। कॉकरोच के हृदय में आपके 13 कक्ष होते हैं, कितने, 13 कक्ष। कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। चिंटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निर्वह कॉलोनी में रहते हैं। संघ मोलस्का, इसका नामकरण जॉस्टन ने 1650 में किया था। कब, 1650 में। शरीर तीन भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और पाद। रक्त इसका रंगहीन होता है। उत्सर्जन व्यक्तियों के द्वारा होता है, इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। इनमें श्वसन गिल्स या फिर ट्रिनिडिया द्वारा होता है। इसमें घोंगा हो गया, सीपी हो गई, ये सभी, ये आपकी मोलस्का है। और पिछले तीन के नाम, एप्लीसिया समुद्री खरगोश, कुंडलिनी उद्यान घोंगा, सीपिया कटलफिश, सिप्रिया कोड़ी, डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस सरंग मीन। फिर आपका नौ, इसमें संघ इकाई नोड मेटा। इस संघ का नामकरण जेकोब किलीन ने 1738 में दिया था। पिछलन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री। जल संवहन तंत्र पाया जाता है इसमें। पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। सितारा मछली, समुद्री अर्चिन, पंख तारा, विट्टिल स्टार और समुद्री खीरा आदि इसमें शामिल हैं। फिर आपके संघ कोर डेटा, इसका वर्गीकरण बेलफोर ने किया था। किसने, बेलफोर। इनमें लाल नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। संघ कार्डेटा के प्रमुख कुछ प्रमुख वर्ग हैं। इसमें आपका मत्स्य वर्ग हो गया। इसमें श्वसन क्रिया के लिए ग्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये सभी असमतापी जंतु हैं। इनका हृदय दो वेश्मी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। कैसा, अशुद्ध रक्त। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, जैसे सार्क हो गई, स्कोली योडन हो गई, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा। फिर आपका एम्फीबिया वर्ग, श्वसन गिलोमों त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है इनका। ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये
तापी होते हैं। हृदय तीन बेसमी में होते हैं, दो अलिंद होते हैं, एक निलय होता है इसमें, जैसे आपका मेढक हो गया। मेढकों की टरटराहट वास्तव में मिथुन के लिए पुकार होती है, ठीक है। फिर आपकी सरीसृप वर्ग श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। वास्तविक स्थल ये कशेरुकी जंतु जो असमतापी जंतु हैं, दो जोड़ी पाद होते हैं इनमें। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षीय होते हैं। क्या होते हैं इसमें? चार कक्ष होते हैं। छिपकली सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि इसमें शामिल है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। क्या है? सबसे जहरीला सांप है। मैं बुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम स्क्रंक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज साहब, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। हीलोडर्मा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है। पक्षी वर्ग ये समतापी होते हैं। इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है इनमें, पक्षी वर्ग में, ठीक है। इनका अंगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है। इसका हृदय चार बेसमी होता है, दो अलिंद होते हैं और दो निलय। कुआ, मोर, चिड़िया इसमें शामिल हैं, तोता। तिब्बतम पक्षी अवाबिल है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, ठीक है। फिर आपका स्तनी वर्ग, इनकी लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। वाह्यकरण उपस्थित होता है। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां और तिल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। इनका हृदय चार बेसमी होता है, यानी कि चार कक्ष होते हैं इसमें। इसमें दांत जीवन में दो बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्वारदंती कहते हैं। स्तनधारी वर्ग को तीन वर्ग उपवर्गों में बांटा गया है। प्रोटीथीरिया ये अंडे देते हैं, जैसे एकीडना हो गया, प्लेटीपस हो गया। मेटाथीरिया ये परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सोपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है, कंगारू जैसे हो गया। फिर आपका यूथीरिया ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे आपका मनुष्य हो गया, ठीक है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में कितना? 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है, सबसे ज्यादा, याद रखिए बकरी। डक विल्ड फ्लेटीपस एकमात्र विषैला स्तनी है। मेरुदंड की उपस्थिति को आधार मानकर जंतुओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, कशेरुकी, कशेरुकी और अकशेरुकी। रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं को कशेरुकी और बिना जो रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं इन्हें अकशेरुकी कहते हैं। इन दोनों वर्गों का संक्षिप्त वर्णन निम्न सारणी में वर्णित है नीचे। ये आपका ये अकशेरुकी हो गया, वर्ग हो गया, उदाहरण हो गया, विशेष गुण हो गया। फाइलम प्रोटोजुआ इसमें आपका अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, युगलिना एंड अमीबा हिस्टोलिका, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म प्राणी है। फाइलम पोरीफेरा इसमें आपका स्पॉन्ज हो गया, ग्रांसिया हो गया, ये बहुकोशिकीय प्राणी एवं पूरे शरीर में अति सूक्ष्म रंध्र वाले होते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा इसमें हाइड्रा, कोरल, जेलीफिश, समुद्री एनिमल मैन हो गया। इसमें बहुकोशिकीय प्राणी जलीय अधिकांशता समुद्री उत्सर्जी एवं रक्त परिसंचरण तंत्र का अभाव देखा जाता है। फिर आपका फाइलम एनीलिडा कैचुआ जोंक निरीसिस में शामिल है। चिकने शरीर के लंबे और धीरे धीरे सरक कर चलने वाले प्राणी हैं। रक्त परिसंचरण एवं तंत्र स्नायु तंत्र की उपस्थिति होती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा खटमल हो गया, केकड़ा, मकड़ा, मक्खी, मच्छर, चींटी, गोजर, तिलचंटा, कॉकरोच ये सभी के उदाहरण हैं। इसी के संख्या में सबसे अधिक जंतुओं वाला फाइलम लगभग 80%। हीमोसोल की उपस्थिति, केंद्रीय तंत्र की उपस्थिति इसमें देखी जाती है। फाइलम मोलस्का इसमें अलग हो गया, ऑक्टोपस हो गया, मुसिल शंख, कठोर आवरण के भीतर जीवों का शरीर, कोमल गति के लिए पैर, लैंगिक प्रजनन
श्वसन के लिए क्लिनिडियम शामिल है। फिर आपका फाइलम प्लेटी हेलमी थीच, इसमें लीवर फ्लूक हो गया, टैप वर्म हो गया। इसकी विशेषता क्या है? चपटा शरीर, लंबी और अभिभक्त शारीरिक रचना, परजीवी मनुष्य या उन्नत जीवों के लिए लैंगिक प्रजनन। फिर आपका फाइलम नेमेटी हेलमिनथीच, इसमें आपका हुकवर्म एस्केरिस ऑक्सेरिस हो गया, बेलनाकार और अभिभक्त शरीर, उन्नत जंतुओं के परजीवी, लैंगिक प्रजनन। फिर आपका कशेरुकी फाइलम पिसेसच, सारकोड, डॉगफिश, सी हार्स, सील, अन्य मछलियाँ इसके उदाहरण हुए। चमड़े पर सल्क गति के लिए फिन और श्वसन के लिए गिल एवं अंडे देती है, मदाएं, ठीक है। फाइलम एम्फीबिया इसमें मेंढक, टोड और सालामंडर हो गया। जल एवं जमीन थन दोनों पर निवास करते हैं। अंडज सल्क की अनुपस्थिति, श्वसन के लिए लार्वे में गिल लेकिन वयस्क में फेफड़ा होता। फिर आपका फाइलम रेप्टिलिया, इसमें आपके शामिल है मगर, घड़ियाल, सर्प, छिपकली, गिरगिट। चमड़े पर सल्क, अंगुलियां में छिल्ली, फेफड़े में श्वसन, अस्थि निर्मित शरीर, अंडज, रेंकर, चलने वाले, शीत रखती है शामिल है। फाइलम ईओइच, ये सभी पक्षी होते हैं इसमें शामिल। डैन वालयुक्त बाह्य आवरण, चमड़ा, गति के लिए डैन, डेने एवं पैर, उष्ण रखती है अंडज, दांतों का अभाव इसमें देखा जाता है। फाइलम मैमिलिया, मनुष्य, कुत्ते, बंदर, घोड़े, हाथी, हाथी, भेड़, हेल, डॉल्फिन, चमगादड़। चमड़े पर बाल, रोम, अस्थि पंजर, उष्ण रखती है शिशु पेशव, भेड़, हेल, दुग्धवान के लिए स्तनपान, स्तन, दांत, कान इत्यादि इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। फिर आपकी कोशिका विज्ञान, कोशिका सेल। संसार में सभी जीव छोटे से अमीबा से लेकर बड़ा हाथी तक सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। आप इसे मकान की तरह ले सकते हैं, जिस तरह से ईंटों से मकान बनता है उसी तरह आपका सेल से शरीर बनता है। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह अर्धपरागम झिल्ली की से ढकी रहती है, इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका की अगर खोज की बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज हुई 1665 में, एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ था। इनकी कौन सी बुक्स है? माइक्रोग्राफिया, ये भी पूछी जा सकती है। 1938 में वनस्पति शास्त्री सलाई डेन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज की बात करें तो 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान के क्लासिकल काल कहा जाता है इसे, क्योंकि इस समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई थी। 1833 में आपके रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। फिर आपके जीव द्रव सिद्धांत सुलज ने दिया था, किसने? सुलज ने। गोल्जी बॉडी उपकरण 1867 में जॉर्ज साहब ने खोजा था, जॉर्ज, ठीक है। ये आपके डीएनए आरएनए में अंतर है, क्या अंतर है देख लीजिए। डीएनए शर्करा डीऑक्सी राइबोज होता है, आरएनए की बात करें तो इसमें राइबोज होता है, शर्करा राइबोज। डीएनए में बेस एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। आरएनए में थायमिन की जगह आपका यूरेसिल होता है, इसमें आपका थायमिन और इसमें यूरेसिल, ठीक है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है या कुछ वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर ये आपकी पादप और जंतु में कोशिकाओं में अंतर, इन्हें भी देख लीजिए। पादप कोशिकाएं हो गई और जंतु कोशिकाएं। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु की बात करें तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है बल्कि कोशिका द्रव झिल्ली में से ढकी रहती है। पादप कोशिका में कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक और जीवाणु बाकी सभी पौधों में पर्णहरित पाया जाता है, जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं। वनस्पति कोशिका में सेंटोट्रॉम नहीं पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक के पास ताराकार सेंटोसोम रचना होती है इसकी, जो कोशिका विभाजन में कार्य करता है।
पौधों में प्राय लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में मिलते हैं आपको। पादप कोशिका में रसधानी या फिर रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में रिक्तता नहीं पाई जाती है। अधिकांश पादपों की कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। आपकी कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिनके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता है, इसमें केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में ही पड़ा रहता है, इनमें अन्य कोई आवरण से घिरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं पाई जाती है। जीवाणु एवं नील हरे शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। फिर आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में द्विरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें आपका डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन और इसके अलावा केंद्रिका भी इसमें देखने को मिलेगी। अगर हम इस दोनों के अंतरों की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की, तो ये कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो वास्तविक में इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसमें विकसित माइटोकांड्रिया लवक विकसित न्यूक्लियॉन्स नहीं होते हैं। इसमें आपके यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकांड्रिया लवक और न्यूक्लियॉन्स होते हैं। राइबोसोम 70S अवसाद गुणांक के रूप में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S अवसाद गुणांक के रूप में होता है राइबोसोम। ये सारे जीवाणु और नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सभी जंतुओं और पौधों में देखने को मिलेंगे। इसमें कोशिका भित्ति प्रोटीन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है यूकैरियोटिक में। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। गोल्जी कोर केंद्रक झिल्ली लाइसोसोम केंद्रिका सेंट्रियोल अनुपस्थित रहता है। गोल्जी कोर केंद्रक झिल्ली लाइसोसोम केंद्रिका तथा सेंट्रियोल उपस्थित रहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का है, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण थैलिकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिंग प्रजनन नहीं होता है इसमें, लेकिन यूकैरियोलिप्टिक में इसमें आपका होता है लिंग प्रजनन। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है, डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है इसमें, ठीक है। कैंदिका जो कि केंद्रक के भीतर का संघनित भाग होता है, इसकी खोज मीसर ने 1871 में की थी। 1876 में हर्टबिंग तथा 1877 में फॉल ने पता लगाया कि जीव के अंडाणु के निषेचन के समय एक शुक्राणु एक अंडाणु से संयोजित करता है। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। 1888 में वाल्डियर ने इसे क्रोमोजोम नाम दिया। 1892 की बात है तो बीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म तथा जर्म प्लाज्म के बीच विभेद किया था। अब है एक कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका भित्री। जीव द्रव कला तथा कोशिका अंगों की सुरक्षा के लिए अजीवित पदार्थों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है, क्या होती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटीडॉगल कैन की बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलेज की भी की बनी होती है या परागम होती है। कैसी होती है, परागम होती है। जीव द्रव यह अर्ध परागम परागम झिल्ली, इसकी मोटाई 25 डिग्री ए से 75 डिग्री ए तक होती है। जीव द्रव कला का मुख्य कार्य है कि वितरण या फिर जल की परासरण क्रिया पर नियंत्रण, एटीपी बनाने के लिए यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए माध्यम का कार्य तथा इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम का कार्य करती है। फिर आपका माइटोकांड्रिया
यह अंडाकार होता है। इसे आप लोग कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया में बहुत से श्वसनीय एंजाइम रहते हैं जिनकी सहायता से एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। फिर आपका अंतराद्रवी जाल, यह कोशिका के अंतःकंगाल के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम इसी पर जमे रहते हैं। फिर आपका गोल्जी काय, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना होता है। लाइसोजोम, लाइसोसोम। सी डी डुबे ने 1955 में से खोजा था, 1955 में। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। केंद्रक में डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए केंद्रक का अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। डीएनए 1953 में वाटसन एंड किक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। इस काम के लिए उन्हें 1953 में उन्होंने वाटसन एवं किक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। इसी काम के लिए 1962 में जाकर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करता है या प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। डीएनए का मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। फिर आता है आरएनए। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोसर्करा पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इसमें क्या होता है? थायमिन के स्थान पर आपका यूरेसिल देखने को मिलता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए या राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। एमआरएनए या डीएनए के आवेश पर इम्यूनो अम्ल का निश्चित क्रम बनाता है। टीआरएनए या प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। फिर आपके एनिमल टिशू या जंतु ऊतक, कोशिकाओं का वैसा समूह जिसके कार्य एवं रचना हो उसे हम लोग ऊतक कहते हैं। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंतिका ऊतक। पहले बात करते हैं उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या फिर स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विषण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है, उन्हें नम बनाए रखता है। यही इनके इसका काम है। फिर आपका संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका, जो आपका रक्त होता है, इस तरल संयोजी ऊतक होता है। संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। ऑक्सीजन ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, इस और कोई भी खनिज हो गए, ये सभी पहुँचाने का काम यही करते हैं। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति भी करता है। फिर आपका पेशी ऊतक, यह संकुचनशील ऊतक भी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? संकुचनशील ऊतक। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, अरेखित, रेखित, हृदय पेशी। अरेखित पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल हो गया, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियाँ। अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती हैं जो स्वयं मेव गति करते हैं।
रेखित पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दो स्तरीय रूपांतरित होकर टंडन के रूप में अस्थियां से जुड़े होते हैं। हृदय पेशी, हृदय पेशियां केवल हृदय की दीवारों में ही आपको देखने को मिलेंगी। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती रहती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कितनी? 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस है, ग्लूटियस मैक्सिमस, कूला की मांसपेशी। फिर आता है तंत्रिका ऊतक, यह आपका का चेतना ऊतक भी कहलाता है। जीवों की तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तंत्रिका कोशिका या इसे न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर न्यूरोग्लिया ग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिका मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करता है। अब चलते हैं कोशिका विभाजन की तरफ। इस घटना में डीएनए का द्विगुणन और फिर केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है, आसूत्री विभाजन या अविकसित, यह अविकसित कोशिकाएं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन निम्न अवस्थाओं में होता है, इसमें विभाजन अंतराल अवस्था, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, कैरियोकाइनेसिस, पश्चावस्था, अत्यावस्था, कोशिका द्रव विभाजन, ये सभी इसी के परिणाम है। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में ही होता है। इसमें गुणसूत्र द्विगुण से विभाजित होकर आगुणित बनते हैं, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। यह आपकी समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर हो गया। इस तरफ आपका समसूत्री दिया गया है, इस तरफ आपका अर्धसूत्री। समसूत्री की बात करें तो कायिक कोशिकाओं में होता है, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन एक चरण में संपूर्ण होता है या विभाजन दो चरणों में संपूर्ण होता है। इसमें गुणसूत्रों के जोड़े नहीं बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है। किन के समसूत्रों की बात कर रहा है और ये अर्थ दिए गए इस पर, इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं जिन्हें युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। इसका कारण गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर समसूत्रों की बात सूत्री की बात करें तो इसमें गुणसूत्र लंबे और पतले होते हैं और अर्ध सूत्री में इसमें अर्ध गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि एवं टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या का नियमन तथा क्रॉसिंग ओवर द्वारा अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण देखने को मिलता है। यह आपकी कोशिकांग खोजकर्ता और कार्य इनके। कोशिकांग एक खोजकर्ता हो गए, एक कार्य। हरित लवक, इसके खोजकर्ता है हैकल, इसका कार्य है विकास संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। माइटोकांड्रिया कोलीकर, इसके खोजकर्ता है कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण। अंतःपित्तीय जालिका, इसके खोजकर्ता है पोर्टर, प्रोटीन संश्लेषण में एवं लिपिड ग्लाइकोजन तथा स्टीरोइड संश्लेषण में इसका काम होता है। गोल्जी का है, इसके जो खोजकर्ता है वो है कैमिलो गोल्जी। शुक्राणु के एकोसोम का निर्माण, हार्मोन श्रावण, पदार्थों का संचय और स्थानांतरण इसका काम है। कोशिका भित्ति, इसके जो खोजकर्ता है उनका नाम है रॉबर्ट होक। मुख्यतः सेलुलोज की बनी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मध्य पटलिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। जीव द्रव, इसके खोजकर्ता है पुरकिंजे। जीवन की भौतिक आधार सिलाई, कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक।
मॉडल सिंगर एवं निकोलसन इसके खोज करता है। कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं पदार्थों का आदान प्रदान करना इसका काम है। क्वांटासोम पार्क एंड पॉन इसके खोज करता है। फिरका संश्लेषण की इकाई इसका काम है। राइबोसोम पेलेट प्रोटीन का संश्लेषण करना। तारक काय टी बोबेरी कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास करना। लाइसोसोम डी डूबे इसका काम है इसके खोजकर्ता हो गया। इसका काम है बाह्य कोशिका पदार्थों तथा अंतर कोशिका पदार्थों का पाचन और आत्महत्या की थैली भी इसे कहते हैं आप लोग। परोक्सीसोम टॉलवर्ट प्रकाश संश्लेषण इसका काम है। सूक्ष्म नलिकाएं डी रॉबर्टिस सीलिया कसाबिका तारक काय कोशिका कंकाल का निर्माण करना। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन कोशिका का नियंत्रक कैंडिका फोंटाना आर आरएनए का तथा राइबोसोम का संश्लेषण करना इसका काम है। गुणसूत्र वाल्डेयर जननिक लक्षणों का एक जोड़ी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना इसका कार्य। चलिए तो ये था आपका बायोलॉजी। इसमें आप लोगों ने क्या क्या देख लिया है, दो टॉपिक इसमें आपने देखे हैं। एक तो आपने देखा है जीव विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान। और पता है आपको सबसे ज़्यादा साइंस में से क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य और शरीर क्रिया विज्ञान इसी से पूछे जाते हैं।